स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअल रैली कर रहे हैं। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं जहां पर ये वर्चुअल रैली की जा रही है। बीजेपी का दावा है कि इस रैली में 1 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल की तमाम उपलब्धियों को गिराने के लिए इस वर्चुअल रैली को रखा गया है। इस वर्चुअल रैली से पार्टी कार्यकर्ता, प्रबुद्ध जन और बड़ी संख्या में आम नागरिक जुड़ेंगे। राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में तमाम विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सीधी तस्वीरें आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रभात झा, तमाम दिग्गजों की मौजूदगी और अब से कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। अब आज जो हमारी इस जनसंवाद वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, ये हम सब के लिए खुशी की और गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश की दूसरी रैली को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि माननीय नड्डा जी बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक रहे, जेपी आंदोलन से वो जुड़े और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उन्होंने अपना काम प्रारंभ किया था। राष्ट्रीय मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रहे और युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। हिमाचल में पहली बार जब वो विधायक बने तो पहली बार की विधायक में ही वो हिमाचल राज्य के नेता प्रतिपक्ष रहे और उसके बाद जब दूसरी बार सरकार बनी तो हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री, फिर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और अब 2019 में वो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बने। हमने अमित शाह जी के साथ और अभी 2020 में हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं हमारे देश का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो निर्वाचित हुए और हम सब ने जैसा उनकी कार्यकुशलता को देखा है कि माननीय नड्डा जी ने पार्टी का जो स्वरूप है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष होने के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं की जो कार्यक्षमता है, माननीय अमित शाह जी के साथ और अभी 2020 में हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं हमारे देश का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो निर्वाचित हुए और हम सब ने जैसा उनकी कार्यकुशलता को देखा है कि माननीय नड्डा जी ने पार्टी का जो स्वरूप है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष होने के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं की जो कार्यक्षमता है, उस कार्यक्षमता को संकट काल में कार्यकर्ताओं को जनता की सेवा के लिए, जन सेवा के लिए किस तरीके से लगाना चाहिए, उन्होंने इस कोरोना काल में जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था और जन आकांक्षा थी कि उनकी कोई सेवा करे, तो भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मोर्चों के माध्यम से और संगठन के माध्यम से देश के लोगों की सेवा करने का उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया और पूरे देश के कार्यकर्ता उनके आह्वान पर देश की जनता की सेवा करने में जुट गए। ये हम सब के लिए गर्व की बात भी है और उन्होंने हम सबको प्रेरणा भी दी है। एक बार जोरदार ताली बजा करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें और अब मैं निवेदन कर रहा हूं उनका स्वागत करने के लिए माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब उनके साथ उपस्थित हैं। माननीय तोमर साहब से निवेदन करूंगा कि वो माननीय नड्डा जी का स्वागत करें। हम सब यहां से जोरदार ताली बजा करके और माननीय नड्डा जी का स्वागत करें। अब मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे केंद्रीय मंत्री
माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब से वो पधारें और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। साथ ही अब मैं निवेदन करूंगा हमारे नव निर्वाचित राज्यसभा सदस्य माननीय श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया से वो पधारे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने। हमारे मंच पर विराजित माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय के स्वागत के लिए मैं पहले आमंत्रित कर रहा हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए शरदंदु तिवारी जी को वो आए और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कृपया स्वागत करें। साथ ही मैं निवेदन करूंगा भाई नरेंद्र पटेल जी को विराजित माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय के स्वागत के लिए मैं पहले आमंत्रित कर रहा हूं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए शरतेंदु तिवारी जी को वो आए और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कृपया स्वागत करें। साथ ही मैं निवेदन करूंगा भाई नरेंद्र पटेल जी को वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी विधायक वो आए और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय का स्वागत करें। श्री सुमित पचौरी जिला अध्यक्ष भोपाल वो आए और माननीय प्रभात जी झा साहब का स्वागत करें। अब हमारे जो लोकतंत्र सेनानी हैं, जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब लोकतंत्र की हत्या की थी तो उस लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ने वाले सेनानी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनमें हमारे लोकतंत्र सेनानियों के प्रदेश अध्यक्ष माननीय तपन जी भौमिक सहित सभी लोकतंत्र सेनानी यहां हमारे बीच में हैं। मैं उनके स्वागत के लिए निवेदन कर रहा हूं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी से और माननीय प्रभात जी झा साहब से वो पधारे और हमारे सभी लोकतंत्र सेनानियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत करेंगे। मित्रों, हम कल्पना कर सकते हैं कि जिस समय लोकतंत्र की हत्या की गई उस समय संसाधन नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, इसके बाद भी लोकतंत्र के प्रति जो उनकी निष्ठा है, लोकतंत्र के प्रति उनकी श्रद्धा है, देश के प्रति जो उनकी श्रद्धा है, उस लड़ाई को उन्होंने जिस दमदारी से लड़ा और उसी का परिणाम ये हुआ कि 1977 में लोकतंत्र बहाल हुआ और लोकतंत्र की बहाली के बाद नरोत्तम जी मिश्रा साहब उपस्थित हैं हमारे बीच में। हमारे राज्य मंत्री माननीय श्री तुलसी सिलावट जी उपस्थित हैं और लाल मंत्री और हमारे राज्यसभा सदस्य और प्रदेश महामंत्री आदरणीय श्री अजय प्रताप सिंह जी भी उपस्थित हैं इस कार्यक्रम के। हमारे हमारे गृह और स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री नरोत्तम जी मिश्रा साहब उपस्थित हैं हमारे बीच में। हमारे खाद्य मंत्री माननीय श्री तुलसी सिलावट जी उपस्थित हैं और जल संसाधन मंत्री और हमारे राज्यसभा सदस्य और प्रदेश महामंत्री आदरणीय श्री अजय प्रताप सिंह जी भी उपस्थित हैं इस कार्यक्रम के।
हमारे संयोजक आदरणीय विदेश लुणावत जी भी उपस्थित हैं और आदरणीय तुलसी भैया, उन्होंने जो है लोकतंत्र बहाली की लड़ाई को भी लड़ा है, वो भी मिसाबंदी रहे हैं। उनका स्वागत माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे हैं। आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजा करके एक बार स्वागत कर दें सब। मित्रों, हम सब के लिए वास्तव में बहुत ही, हमारे सब लोकतंत्र सेनानियों का जो जीवन है वो बहुत ही प्रेरणास्पद है कि लोकतंत्र के लिए किस तरीके से लड़ा जाता है। संसाधनों का अभाव होने के बाद भी, गहरी प्रताड़ना मिलने के बाद भी, जिस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ा है वो वास्तव में हमारी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। ऐसे सभी सेनानियों का अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, उन्होंने स्वागत किया। और एक और मंच पर भी हमारे मिसाबंदी है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब वो 11th में थे उसी समय उनको मिसा में निरुद्ध कर दिया गया था। उनका स्वागत जो हमारे मिसाबंदी संघ के अध्यक्ष माननीय तपन जी भौमिक करेंगे, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अब मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, वो पधारें और आज के इस जनसंवाद रैली में हम सबको संबोधित करें माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश की आज इस जनसंवाद रैली में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी, लोकप्रिय ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, मैं चाहता हूं कि जनसमुदाय आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर माननीय नड्डा जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश के हमारे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, इंदौर में अरविंद